हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन की रसोई। आज मैं बनाने जा रही हूँ उत्तराखंड की एक और प्रसिद्ध डिश, खीरे का रायता। जैसा कि आप सभी को पता है, गर्मियां बिल्कुल आ चुकी है, तो गर्मियों में खीरा हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। शरीर को ठंडक प्रदान करता है, पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। और खीरा और दही गर्मी में हम ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना खीरा और दही अलग अलग खाने की बजाय इसका रायता बना के खाएं। तो आइए चलते हैं इसकी रेसिपी की ओर। इसके लिए मैंने सबसे पहले लिए हैं दो खीरे, इनको मैंने धो के रख लिया है। नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया कटा हुआ, देगी लाल मिर्च, मस्टर्ड पाउडर यानी कि राई का पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी और ये दही। देखिए ये जो डाल रहे हैं हम इसमें मस्टर्ड पाउडर, सबसे मेन पहाड़ी रायता, इसीलिए इसको बोला है क्योंकि इसमें राई का जो स्वाद आता है उसी से वो पहाड़ी रायता है, वरना नॉर्मल रायता तो हम बनाते ही है, लेकिन इसमें राई के पाउडर से मेन स्वाद आएगा। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो खीरे हैं इनको हम पील कर लेंगे अच्छे से, इनका सबका छिलका हम अच्छे से निकाल लेते हैं। इनका छिलका मैंने छिलका पूरा निकाल लिया। तो इसको देखिए, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब आप इसको ऊपर से काटे तो काट के इसको इस तरीके से वो करें, इससे क्या होता है खीरे का कड़वा पर निकल जाता है, ऊपर झाग झाग सा आता है, तो इससे खीरा कड़वा नहीं लगता है। तो दोनों खीरे को मैं इस तरीके से काट लूंगी ऊपर से। देखिए खीरा बिल्कुल छिल चुका, अब इसे कस लेंगे हम। ये दोनों खीरे मैं कस लेती हूँ, तो ये कस चुका है। अब इसको सबसे पहले मैं क्या करूंगी, दही को अच्छे से एक बार चला लूंगी, इससे फेंट लूंगी पूरा, ताकि दही में जो है वो एक सा हो जाए दही बिल्कुल। ये इस तरीके से फेंट लेना है। अब यहाँ पे खीरा देखिए, क्योंकि दही घर पे जमाइए, अगर आप बाजार का दही ले तो दही गाढ़ा होता है, पानी इस खीरे का पानी भी यूज कर सकते, लेकिन हमने दही घर में जमाया है तो मैं खीरे को निचोड़ के कर रही हूँ। हम देहरादून में है तो यहाँ पे जो खीरा है वो हमने बाजार से देसी खीरा लिया है, वरना जो असली रायता जो बनता है वो पहाड़ी खीरे के रायते से, जो पहाड़ी खीरे से जो हम रायता बनाते हैं वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। पीला खीरा मिलता है, ककड़ी से हम बोलते हैं, वो हमारे पहाड़ों में मिलती है, यहाँ वो नहीं मिल पाता है, तो हम इसी से यहाँ पे अपना काम चलाते हैं। इसको पूरा अच्छे से निचोड़ के डाल देंगे। तो ये मैंने निचोड़ लिया, इतना पानी बचा है, इस पानी को आप पी सकते हैं क्योंकि खीरे का पानी बहुत स्वादिष्ट फायदेमंद होता है। अब यहाँ पे इसको मिला लूंगी। देखिए खीरे के जो रायता है इसमें कई लोग ऊपर से खीरे में जीरे का तड़का या फिर अलग तड़का लगाते हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेडिशनल खीरे का जो रायता होता है इसमें कोई भी तड़का नहीं लगता है, क्योंकि इसमें जो राई हम डालते हैं उसी का स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो यही ट्रेडिशनल खीरे का रायता है, इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, ये मैं आपको स्टार्टिंग में दिखाना भूल गई थी, हल्दी, बिना हल्दी के खीरे का रायता नहीं होता है, इसमें हल्दी का पीला रंग आना जरूरी है, राई, राई पाउडर यहाँ पे है। अगर राई का तेज वो राई का असर डालना चाहते हैं तो राई को भिगा के, ये जीरा पाउडर, राई भिगा के अगर आप रख लेंगे तो वो और भी अच्छी राई, इसमें राई का स्वाद आता है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा तेज राई नहीं खाते हैं, तो इसलिए मैंने राई का पाउडर नॉर्मली डाला है, भिगा के नहीं डाला है। लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च से कलर अच्छा आ जाता है इसमें, इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ रहा है। सबसे मेन चीज़ एक ध्यान इसमें आपको जो रखना है, अगर आप रायता थोड़ा पहले बना के रख रहे हैं, आपको लगता है कि रायता पहले बना के रख दें, नमक इसमें बाद में डालिएगा, नमक पहले मत डाल के रखिएगा, वरना वो पानी छोड़ देता है और खट्टा भी ज्यादा हो जाता है। तो नमक जिस समय खाना है उसी समय ऐड करिएगा। ये बन चुका है, इसमें मैं डालूंगी सबसे पहले नमक। नमक स्वाद अनुसार, आपको तेज चाहिए कम चाहिए। अब यहाँ पे हरा धनिया, हरा धनिया से कलर बहुत अच्छा आ जाता है, तो हरा धनिया तो जरूर इस्तेमाल करिएगा। ये देखिए कितना बढ़िया इसमें कलर आ रहा है। आलू के गुटके, रायता, भांग की चटनी, बढ़िया कॉम्बिनेशन है इसका बहुत। तो ये खीरे का रायता बनके तैयार है, ये देख सकते हैं आप। इसको आलू के गुटके के साथ मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने इसमें रायता निकाल लिया है, थोड़ा सा मैं हरा धनिया इसमें ऊपर से और डाल दूंगी, खाते समय ऊपर से और डाल सकते हैं, और इसमें भी थोड़ा सा ऊपर से और स्प्रिंकल कर देती हूँ। ये रायता बनके मेरा बिल्कुल रेडी है। इसको आलू के गुटके के साथ सर्व करिए, इसमें थोड़ी सी भांग की चटनी ऐड करिए, पूड़ी बना लीजिए साथ में, तो आप अपने अकॉर्डिंग अपना टेस्ट आप वो कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बनके तैयार है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।